आया है, कलेक्टर को भी हटा दिया है। हटा दिया है, इसे हटाने से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बहन जी ने भी ट्वीट करके इस मामले में अपनी राय दी है। देखो बहन जी तो सभी पे बात करती हैं, और बहन जी इसकी लड़ाई संसद तक लड़ रही हैं, और आने वाले समय में यदि दलितों की कोई हितैषी है तो बहुजन समाज पार्टी है। और ये लोग जो दलितों पे अत्याचार करते आ रहे हैं, पिछड़े वर्ग पे भी कर रहे हैं, खास सामान्य वर्ग सभी पे भारतीय जनता पार्टी सभी के खिलाफ है, वो केवल पूंजीपतियों के पक्ष में है। क्या मध्य प्रदेश में उपचुनाव में इसका परिणाम मिलेगा? बिल्कुल परिणाम मिलेगा, और हम बहुत अच्छे डांस, जो हमारी 25 सीटों पर जो इलेक्शन होने वाला है, पहले 24 थी, एक और खाली हुई है जो भाजपा के कारनामे के कारण, या जो लोग नाराज कांग्रेस थे फिर वहाँ चले गए, दोनों ही एक जैसी है कांग्रेस भाजपा, और दोनों से नाराज होकर पूरे देश, मध्य प्रदेश जो राज्य है पूरे में एक माहौल बना हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी हमारी हितैषी है, और बहुत अच्छे पैमाने पर MLA निकल के आएंगे।